चीन घूमने चले गए थे, फिर चीन वालों ने चमगादड़ चिपका दी पिताजी को। तो पिताजी अब कहाँ है? वो देखो ऊपर। ऊपर कहाँ? तुम रहते हो ना स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तो पिताजी को वापस बुलाना क्यों चाहते हो? पिताजी को वापस इसलिए लाना चाहता हूँ, पिताजी पहली लहर में ही निपट गए, तीन चार लहर आ गई और मर जाते दो चार बार। इधर आओ चाचा जी, इधर आओ। जैन मत के अनुसार हमारे यहाँ पंच कल्याणक का एक अलग ही महत्व है। पाषाण को भगवान बनाने की यह प्रक्रिया है। इसने पांच कल्याणक जो भगवान के बताए गए हैं उसमें आज गर्भ कल्याणक है, फिर उसके बाद जन्म है, फिर उसके बाद तप है। पर जब तप करते हैं भगवान तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब उन्हें ज्ञान हो जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद फिर मोक्ष कल्याणक होता है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ऐसे पांच कल्याणक जो है वो मनाए गए हैं। और ये पांच कल्याणक जो है भगवान के ही मनाए जाते हैंगे। जैन मत में 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकरों के में यहाँ पर जो है 24 ही तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं वो प्रतिष्ठित की जा रही हैं। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, उनके परम प्रभावक शिष्य, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महामुनिराज और उनके संघ के महामुनिराजों के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और ये देखें आप जो भव्यता के साथ कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की विशेषता यही है जी सर, ये जो आयोजन आप देख रहे हैंगे इसमें सभी जो है हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं का सहयोग होगा। और सभी जो है सवेरे 5 बजे से इस आयोजन में जो है अपनी सहभागिता देते हैंगे। और आज ये जो इंद्र की सभा लगी हैगी, तो ये भगवान का जो पंचकल्याणक होता है उसमें पात्र होते हैं, भगवान के माता पिता भी बनते हैं, सौधर्म इंद्र भी बनते हैं, कुबेर भी बनता है जो भगवान के खजाना है जिसके हाथ में रहता है, सनत कुमार, महेंद्र, ईशान, महामंडलेश्वर, विधि नायक और सामान्य इंद्र, ऐसे इस आयोजन में सब हम लोग सहभागिता करते हैं। सुबह 5 बजे से यह कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले पात्रों की शुद्धि होती है, फिर अभिषेक होता है भगवान का, और अभिषेक के बाद जो है फिर पूजन होती है। जैसे आज जो है याग मंडल विधान करके शुद्धि की है सबकी, कल जो है जन्म कल्याणक की पूजाएँ होंगी, फिर उसके बाद तप कल्याणक की, फिर ज्ञान कल्याणक की और फिर मोक्ष कल्याणक की, ऐसे पूरे कार्यक्रम दिन में चलते हैं। रात्रिकालीन में ये सौधर्म इंद्र की सभा होती है। सौधर्म इंद्र सबसे बड़ा इंद्र होता है गाच, उसकी सभा होती है। उनकी सभा में बाकी के दूसरे जो इंद्र होते हैंगे वो सब बैठे हैं, तो उनकी सभा में ये आयोजन हो रहा है। ये इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं हम जो है। सर ये आयोजन कब तक चलेगा? ये 3 तारीख से 8 तारीख तक है। आज 3 तारीख को घट यात्रा के माध्यम से पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आज जबलपुर में जैन समाज के द्वारा घट यात्रा निकाली गई, और 8 तारीख तक उन्हीं के सानिध्य में ये जो पंचकल्याणक महोत्सव होगा। और फिर हम जो पत्थर की पाषाण की भगवान की मूर्ति है उसे हमारे महाराज जी इस पंचकल्याणक के बाद में, मोक्ष कल्याणक के बाद में मंत्रों के द्वारा मंत्रित करेंगे और सूर्य मंत्र देते हैं। उस सूर्य मंत्र से उस प्रतिमा को जो है वो प्रतिष्ठित करके पत्थर जो है भगवान बन जाएगा, मतलब पत्थर भगवान बन जाता है। सर ये जो समिति है ये कौन सी समिति है? ये जबलपुर की श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा, ये हमारी दिगंबर जैन पंचायत सभा मूल संस्था है ये, और जो सकल जैन समाज के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। सर जो इसमें नाट्यकारी हैं हमारे, जैसे जो रोल कर रहे हैं नाट्यकारी, भगवान का रोल कर रहे हैं और भी जो नाट्यकारी हमारे, तो वो समिति के ही लोग हैं? नहीं, इसमें क्या है कि हम पात्रों का चयन करते हैं। कैसे चयन करते हैं? पात्रों का ऐसे चयन करते हैं, ये सब प्रमुख पात्र होते हैं, मुख्य पात्र होते हैंगे। ये जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी स्वधर्म इंद्र बनूँ, मैं भी भगवान का माता पिता बनूँ। तो भगवान के माता पिता बनने के बाद ये क्या है कि बहुत भगवान का माता पिता बनना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। फिर उसको अपने जीवन को बदलना पड़ता हैगा, आचार में, विचार में, उठने में, बैठने में, बात करने में, व्यवहार में, इन सब चीज़ों, क्योंकि भगवान का माता पिता जो बन जाता है फिर उसका व्यवहार समाज में
खाली जैन समाज नहीं, मानव समाज में ऐसा होना चाहिए कि लोग ये बताएं कि ये पहले किसी आयोजन में भगवान के माता पिता बन चुके हैं, इतने धार्मिक हैं, इतने सात्विक हैं, इतने व्यवहारिक हैं, इनके आचरण में, इनके वचन में किसी प्रकार के कोई छल नहीं हैगा, किसी प्रकार तो ऐसे ये पात्रों का चयन होता हैगा। किस आधार पे पात्रों का चयन? पात्रों का चयन माता पिता का जो आधार, जो चयन होता हैगा भगवान के, वो योग्यता के आधार पर। वो जबलपुर की लोकल पब्लिक होती है या समिति की? मुख्यतः लोकल के ही रहते हैं, पर अगर मान लो कोई उतनी कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है था, तो फिर जो हैगा बाहर के भी लोग आ जाते हैं। वो तो जिसमें जितनी योग्यता होगी वो उस आधार पर भगवान का माता पिता बनता है। सर, ये जैन समाज द्वारा आयोजित जी, दिगंबर जैन समाज, दिगंबर जैन समाज, लेकिन सभी धर्मों के लोग आते हैं ना, कोई अलग नहीं है। हम भी सनातनी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैंगे। भगवान राम को हम भी भगवान मानते हैंगे, हनुमान जी को हम भी भगवान मानते हैंगे, पर हमारे 24 तीर्थंकर हैंगे। आदिनाथ भगवान हमारे पहले तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी हमारे अंतिम तीर्थंकर हैंगे जो है। अब सब हमारे भगवान हैं, कोई भी आ सकता है इस आयोजन में, कोई भी धर्म का लाभ तो कोई भी ले सकता है। भगवान सबके होते हैं, गुरु सबके होते हैं, गुरु किसी एक का नहीं होता है, सर्व समाज के होते हैं, भगवान सबके होते हैं, कोई भी आ सकता है, देख सकता है और आनंद ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे खबरदार न्यूज से बात करने के लिए आपका। सर एक बार नाम बता दीजिए। मनीष जैन। थैंक यू, धन्यवाद सर। जबलपुर में शहीद स्मारक गोल बाजार में पंच कल्याणक विविध प्रतिष्ठा महोत्सव व विश्व शांति महायज्ञ 3 मई से आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल के तत्वाधन में शहीद स्मारक गोल बाजार में मंगलवार से श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव व विश्व शांति महायज्ञ का शुभारम्भ किया जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के विशेष कृपा पात्र शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर महाराज, मुनि पूज सागर महाराज, एलक धैर्य सागर महाराज व छुल्लक गंभीर सागर महाराज के सानिध्य में 8 मई तक यह आयोजन अनवरत रहेगा। प्रतिष्ठाचार अशोक नगर ब्रह्माचारी मनीष जैन ने बताया कि मंगलवार को सुबह 7 बजे मंगल ध्वजारोहण स्थल पर पूजन के बाद ध्वजारोहण किया जाएगा। इसे पूर्व प्रातः 5 बजे मंगलाष्टक, दिगबंधन, रक्षा मंत्र, शांति मंत्र, अभिषेक, शांति धारा पूजन, मंगल घट यात्रा पूजन होता है एवं प्रातः 6 बजे मंगल घट यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई और मुनि श्री के मंगल प्रवचन हुए। उन्होंने बताया कि सुबह 8:45 बजे से मुनि श्री का मंगल प्रवचन हुआ और सुबह 10 बजे मंडप शुद्ध, मंडल शुद्ध, मंडप प्रतिष्ठा, मंडल प्रतिष्ठा आदि संस्कार संपन्न कराए गए। दोपहर 12 बजे मंगलाष्टक, दिवंगधन, रक्षा मंत्र, शांति मंत्र, पात्र शुद्ध, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, नांदी विधान संपन्न हुई। इसी के साथ मंगल कलश स्थापना, शांति कलश स्थापना, अखंड दीप स्थापना, श्री मंडन विधान को गति दी गई। शाम को गर्भ कल्याणक सौधर्म इंद्र सभा सजाई गई। वहीं अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन, राजेंद्र कुमार मम्मा, सुनील मंगलाहट, अनिल जैन गुड्डा, सुनील जैन भाऊ, आशीष जैन, अमित पटारिया ने बताया कि सायं 6 बजे आचार्य भक्ति जिज्ञासा समाधान सामूहिक आरती होती है। 7:30 बजे से गर्भ कल्याणक पूर्ण रूप सौधर्म इंद्र सभा, तत्व चर्चा सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है, अवधि ज्ञान से ज्ञात करना, धनपति कुबेर का आगमन, रत्नो वृष्टि, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या नगरी की रचना, 16 स्वप्न दर्शन, अष्ट देवियों द्वारा माता की सेवा के उपरांत तत्व चर्चा भेंट समर्पण के आदि विधान संपन्न कराए गए। शहीद स्मारक प्रांगण में 3 से 9 मई तक श्रीमद् भागवत 1008 जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव का प्रभावनाकारी का आयोजन किया जा रहा है। इस महा महोत्सव में दिगम्बर जैन शासनोदय अतिश्य तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल में विराजित होने वाली 24 तीर्थकार भगवान की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। 3 मई को हनुमान ताल से सुबह 7 बजे घट यात्रा निकाली गई, जो क्षेत्र भ्रमण कर शहीद स्मारक पहुंची तथा यहां मुनि श्री के मंगल प्रवचन हुए। आयोजन की तैयारी के लिए शहीद स्मारक परिसर के 75,000 वर्ग फीट के मैदान में भव्य पंडाल तैयार किया गया है। आयोजन के दौरान चिकित्सा विभाग, आवास व्यवस्था के लिए 100 कमरे, अमानती समान घर, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था विभाग सहित 80 विभागों का गठन किया गया है। बुजुर्ग इंद्र इंद्राणी के समारोह स्थल में आने के लिए ई रिक्शा उपलब्ध कराया गया है। श्रद्धालुओं की वाहनों की पार्किंग के लिए बड़े वाहन एवं छोटे वाहनों के लिए पृथक व्यवस्था कराई गई है। आयोजन की तैयारी के लिए 75,000 वर्ग फुट के मैदान में भव्य मुख पंडाल तैयार किया गया, जिसमें 50x80 इंच का 64x8 की वेदी मंच वेदी तैयार की गई है। 3 भोजनशाला, जिसमें सामान्य जनता के लिए 15,000 वर्ग फुट की भोजनशाला व इंद्र इंद्राणी के लिए 5,000 वर्ग फीट
में भोजनशाला व त्यागी व्रति भोजनशाला अलग से संचालित की गई है। मुनि संघ की आवास व्यवस्था समारोह स्थल के पास ही रहेगी। कार्यक्रम की यदि बात करें तो 3 मई को घट यात्रा जुलूस, 4 मई को गर्भ कल्याणक, 5 मई को जन्म कल्याणक, 6 मई को तप कल्याणक, 7 मई को ज्ञान कल्याणक तथा 8 मई को मोक्ष कल्याणक कार्यक्रम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट द खबर द न्यूज।